हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास सिक्स साइंस की चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस चैप्टर की ये दूसरी क्लास है। इसकी पहले वाली क्लास में हमने मोशन के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ मोशन भी हमने डिस्कस किया था और एक एक टाइप्स ऑफ मोशन को हमने डिटेल्स में देखा था, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियडिक मोशन। ये सारी चीजें हमने इसकी पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके आगे की टॉपिक को देखेंगे। तो मोशन डिस्कस होने के बाद आगे आता है हमारी डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मोशन पार्ट कंप्लीट हो गया था और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पार्ट जो है ये हमारा बचा हुआ है। तो डिस्टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट को समझना पड़ेगा। डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें तो एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा ना, डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो वो ट्रांसपोर्ट में ही हो पॉसिबल है। तो डिस्टेंस पढ़ने से पहले एक टॉपिक है आपकी ट्रांसपोर्ट और थोड़ी ब्रीफ दी गई है यहां पर स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये हमें पढ़ने के बाद डिस्टेंस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि टॉपिक का नाम है द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, माने ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा डेवलप हुआ, पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, फिर धीरे धीरे जाने के जो तरीका है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे बदलाव आया धीरे धीरे, ठीक है, और आज की ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, किस तरह से हम इतनी स्पीडली एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं, जो कि पहले हमारे एंशियंट टाइम में नहीं होता था, पॉसिबल नहीं था। तो ये जो ट्रांसपोर्ट की जर्नी है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता क्या है, अगर इसे हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है, टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है कि लोगों को या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या लेकर के जाना। आज के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, गुड्स यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हम पहले देखेंगे कि सबसे पहले अर्लियर टाइम में, ठीक है, अर्लियर टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, कैसे उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती थी, सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते थे और आज के जमाने में हम कैसे कर रहे हैं, इस चीज को हम देखेंगे। तो बहुत पहले क्या होता था, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ठीक है। पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उस समय उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो एंशियंट पीपल कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका जो तरीका होता था वो था फुट और ऑन एनिमल्स, अपने पांव से चल चल के जाते थे। इसलिए उनको थोड़ा अगर जैसे 20-30 किलोमीटर भी जाना होता था तो लोग पैदल जाते थे, कहीं कहीं एक दिन, दो दिन, तीन दिन में भी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते थे, क्योंकि वो पैदल जाया करते थे या फिर एनिमल्स का वो हेल्प लेते थे। किस चीज के लिए, जो गुड्स उनकी होती थी, सामान होती थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो एनिमल्स का हेल्प लेते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एंशियंट पीपल यूज ट्रैवल, और देखिए, यूज टू ट्रैवल हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर, हॉर्स के जो उसकी पीठ होती है उसके ऊपर बैठ के जाते थे, देखिए यहां पर है, या फिर कैमल की बैक, कैमल की पीठ के ऊपर, ऊंट की पीठ के ऊपर बैठ के जाते थे, ठीक है। तो ऐसे उनका इस्तेमाल करते थे एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑल्सो यूज दीज एनिमल फॉर कैरिंग द हैवी गुड्स, तो खुद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एनिमल्स का यूज करते थे, या फिर उनको जो सामान लेके जाना था, उनका गुड्स को अगर ट्रांसफर करना था तब भी वो एनिमल्स का भी हेल्प लेते थे और पैदल भी जाया करते थे। वाटर ट्रांसपोर्ट में उनका क्या रोल था, कैसे वो जो है वाटर की जो रोड थी उसको कैसे वो कवर करते थे, वो यूज करते थे बोट फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट, अगर वाटर बॉडीज में जाना है, रूट में जाना है, तो वो बोट का इस्तेमाल करते थे। और आज की जैसे जो इंजन वाले जो बोट है, ऐसे बोट नहीं थे, स्टीम इंजन वाले, वो सिंपल बोट हुआ करते थे, यहां पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बताई गई है इसके बारे में। तो यहां देखिए,
इनिशियली द बोट वेयर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच ए होलो कैविटी वॉज मेड फॉर द पीपल टू सीट एंड कैरी गुड्स। तो पहले जो बोट हुआ करती थी एकदम सिंपल हुआ करती थी, इस तरह के, ठीक है, ऐसे बोट हुआ करती थी, और वो क्या होता था, एक होलो कैविटी जैसा, गड्ढे जैसा हो जाती थी, नाव जैसा बनाते थे उनको, और वहां पर वो बैठने की अपनी जगह और सामान रखने की जगह बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन पीपल लर्न टू ज्वाइन टूगेदर प्लैंक्स ऑफ वुड टू मेक बोट हैविंग द स्ट्रीम लाइन शेप। बाद में क्या हुआ, पहले तो सिर्फ लकड़ी को ही काट करके बनाते थे, अब धीरे धीरे वो स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीप लाइन मतलब दोनों तरफ उनकी जो पॉइंटेड हेड होती, जैसे मछली की शेप होती ना, मछली की जो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उस टाइप की शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप में वो बाद में उनको बनाए बोट को। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील मतलब चक्का, व्हील का मतलब क्या होता, तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चक्का निकलने के बाद, ये चक्का के उद्भावन होने के बाद, इनकी इन्वेंशन होने के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया, ठीक है। तो ये व्हील जो निकल के आया उसका इस्तेमाल उन्होंने कहां पर किया, देखिए व्हीकल में किए, बुल्लक कार्ट्स में किए, हॉर्स कार्ट में किए, कैमल कार्ट में किए, तो हम लोग उसके बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट मतलब बुल्लक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट मतलब घोड़े गाड़ी, कैमल माने ऊंट वाले जो क्या कार्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर भी बताया गया है, ये कैमल कार्ट से, ये हॉर्स कार्ट है, ये बुल्लक कार्ट है, ये सब चीजें होने लगे और इस तरह की बाईसाइकिल भी डेवलप हुई चक्का निकलने के बाद, चक्का के इन्वेंशन होने के बाद, व्हील के इन्वेंशन होने के बाद ये बाईसाइकिल वगैरह में भी यूज किए, ये पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होने लगा उस समय। उसके बाद देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजिन इंट्रोड्यूस ए न्यू सोर्स ऑफ पावर टू रन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। उसके बाद 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में, ठीक है, इसकी शुरुआती दौर में स्टार्ट में ही इन्वेंशन हुई हमारी स्टीम इंजिन की, ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो कि रन करता था पावर से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा फायदा हुआ, स्टीम इंजिन जो था ये क्या होता था, इसमें इस्तेमाल किया जाता या तो कोयला का, ठीक है, फ्यूल जो है ये, विच यूज द कोल एज ए फ्यूल फॉर मेकिंग स्टीम। पहले तो पेट्रोल डीजल नहीं थी, तो ये कोयला से ही इसको ताकत मिलती थी, एनर्जी मिलती थी, स्टीम इंजन चलता था। ये यूज होता था उस समय में क्या, ट्रेन को पुल करने में, रेलवे रोड्स में, कैरिंग द पीपल एंड गुड फ्रॉम द प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड स्टीम इंजन वेर यूज टू रन द शिप इन द बिगिनिंग। तो यहां पर आपको देख सकते हैं पिक्चर में, सबसे पहले जब स्टीम इंजन निकली 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही, तो ये ट्रेन में इस्तेमाल किया गया सबसे पहले ये स्टीम इंजन का, जो कि कोयला इसमें इस्तेमाल किया जाता, कोयला को क्या, कोयला से पानी को गर्म किया जाता, तो उसमें से स्टीम पैदा किया जाता था, जो वहां उसके ताकत से ये पूरी ट्रेन को खींचती थी। धीरे धीरे इसी इंजन को लगाया गया कहां पर, सीप में, इस तरह के सीप में, देखिए यहां पर भी कोयला वाले इंजन, स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 इन द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनल कंबस्चन इंजिन। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताया गया, द स्टीम इंजिन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कंबस्चन इंजिन। ये जो इंजिन निकला ये एक्सटर्नल कंबस्चन इंजिन निकला, मतलब कि इंजिन की, देखिए यहां पर बाहर में ये बर्न हो रही है, कंबस्चन मतलब यहां पर जो कोयला, गर्म कोयला जलाया जा रहा, उसे स्टीम निकाली जा रही और उसे ये ट्रेन को खींचा जा रहा, तो ये हमारी एक्सटर्नल कंबस्चन इंजिन के रूप में काम किया, मतलब बाहरी इसमें काम हो रहा है, स्टीम को बाहर में उसको कराया जा रहा है। देखिए लिखा भी हुआ, मेकिंग स्टीम वाज बर्न आउटसाइड द इंजिन, इंजिन के आउटसाइड यूज किया जाता है वो स्टीम को। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबस्चन इंजिन ये आई, व्हिच यूज पेट्रोल एंड डीजल। बाद में पेट्रोल और डीजल वाले इंजिन आई, जो कि आपकी इंजिन के अंदर इसकी काम होती थी। अच्छा, उसके बाद ये इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, माने आपकी सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी, माने जो पहले स्टीम इंजन निकली थी बिगिनिंग में, 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में निकली थी, उसके बाद में वो सेकेंड हाफ में, मतलब आपकी 1950 के बाद वाले टाइम को हम सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी बोलेंगे, 1950 के बाद। तो उस वक्त ये इंटरनल कंबस्चन इंजन निकल के आया, इन्वेंशन हुआ, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका इस्तेमाल हमने कहां कहां किया,
ट्रांसपोर्ट व्हीकल और द ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में इसका हमने यूज किया, जैसे कि कार, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, ये सब ऑटोमोबाइल इंजिन से, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद में मोटराइज्ड बोट एंड शिप वर डेवलप एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, वाटर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मोटराइज्ड बोट का इस्तेमाल किया गया। यहां पर भी उस इंजन का इस्तेमाल किया गया बोट में और शिप में, ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फास्ट हो सके, हम जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाए। तो यहां पर देखिए, आप फिगर से समझ पाएंगे, डायग्राम भी बनाया गया है। देखिए ये सब है, ऑटोमोबाइल्स का यूज हुआ है, द इन्वेंशन ऑफ द पेट्रोल एंड पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सारी पेट्रोल और डीजल इंजन से चलने वाले व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एरोप्लेन वेयर डेवलप एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में तो हमारी स्टीम इंजन आई, उसके बाद में आपकी पेट्रोल इंजन आई, जो कि हम इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं, स्टीम इंजन को हम एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कहते हैं। और धीरे धीरे 19th सेंचुरी कंप्लीट हो गया, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, अर्ली मतलब कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, बिगिनिंग में ही एरोप्लेन की क्या डेवलपमेंट आई, एरोप्लेन बनाया गया। एरोप्लेन नाउ कैरी ए लॉट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड वर्ल्ड वाइड। ये जो है एरोप्लेन अभी धीरे धीरे क्या होने लगा, पैसेंजर्स और गुड को पूरा वर्ल्ड वाइड पहुंचाने लगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगा, ठीक है, ना कि एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री से बाहर भी। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स वेर आल्सो मेड एज ए मींस ऑफ ट्रैवलिंग बाय एयर, हेलीकॉप्टर्स भी बनाई गई ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह को। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनाए गए, मोनो रेल्स बनाए गए, उसके बाद सुपरसोनिक एरोप्लेन्स ये बनाया गया। ये बहुत ही एक क्या रिवोल्यूशन आया हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, व्हिच फ्लाई एट ए स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड जो साउंड की स्पीड है, उससे भी तेज स्पीड में चलने वाली एरोप्लेन को बोला गया सुपरसोनिक एरोप्लेन, बहुत ही फास्टेड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और हमारे स्पेस क्राफ्ट बनाए गए, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशन टू द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट की दुनिया में सुपरसोनिक एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट एक रिवोल्यूशन बन के आया। सुपरसोनिक एरोप्लेन का जो स्पीड होता है वो साउंड की स्पीड से भी फास्ट जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारी जो स्टोरी थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो डिस्टेंस कवर करेंगे हम, इसीलिए डिस्टेंस पढ़ने से पहले ट्रांसपोर्ट की बातें यहां पर बताई गई। डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं डिस्टेंस टॉपिक में। तो यहां पर देखिए, डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पेज बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो देखिए, ये जो कोई किसी भी दो चीज के यहां से यहां ये कितने दूर है, मतलब कि कितने डिस्टेंस है, तो यहां से यहां की जो स्पेस है या जगह है या दूरी है, इसी को तो हम डिस्टेंस कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कि हम उसे कहते हैं, उसकी जो क्या जितनी स्पेस होती है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, हम बोलेंगे कि द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से लेके आगरा की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, मतलब कि सो वी से दैट डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। एक जगह से दूसरी जगह, ये है मान लो दिल्ली और ये है आगरा, तो यहां से यहां जो स्पेस जितने है, यहां से यहां वो हमें जितना कवर करना पड़ेगा दूरी, वही तो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस कभी बहुत छोटी भी हो सकती है, कभी बड़े भी हो सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, इफ द टू पॉइंट्स आर फार ऑफ देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी लार्ज। एक्चुअली द टर्म डिस्टेंस एंड द लेंथ आर यूज इन द सेम सेंस। हमारा जो डिस्टेंस है और लेंथ है, दोनों ही हमारा मीनिंग लगभग सेम ही है, कितना डिस्टेंस है या कितना लेंथ है। लेकिन सो वी व्हेन से अबाउट द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस विच एक्चुअली मीन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो हम अगर जब बोलते हैं कि मेजरमेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, मतलब कि हम लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, मतलब दूरी को ही मेजर कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट की मतलब क्या है, ठीक है। हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, मतलब मेजर कर रहे हैं लेंथ। तो मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है, मेजर कर रहे हैं मतलब क्या, उसका डिटेल्स में देखते हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या है।
तो मेजरमेंट का अगर साइंटिफिक मीनिंग देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो है एक प्रोसेस है एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का विथ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमारी यूनिट जो है मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट की भी डेवलपमेंट हुई, किस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट आया जिसकी पूरी वर्ल्ड उसे यूज कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो टू ए क्लॉथ शॉप, अगर हम कपड़े की दुकान में जाएंगे तो वो यूज करेगा क्या यूज करेगा वहां पर, वो एक उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। हम बोलेंगे कि इतनी मीटर कपड़ा दीजिए, अगर हमें यूनिफॉर्म बनाना है ठीक है, तो दुकानदार को हम क्या बोलेंगे कि मुझे 5 मीटर क्लॉथ दीजिए, या पैंट की, शर्ट की, या हमारे जो ड्रेसेस की जो भी है। एंड व्हेन वी गो टू ए टेलर फॉर स्टिचिंग द स्कूल यूनिफॉर्म, ही टेक्स आवर मेजरमेंट बाय यूजिंग द मेजरिंग टेप। तो हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करता है, उसके पास में मेजरिंग करने के लिए एक मेजर रड होता है, लेकिन हम टेलर के पास जाते हैं तो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल वो करता है। देखे भी होंगे आप मेजरिंग टेप फोल्ड करके रखा हुआ था, इट कैन बी फोल्ड ठीक है। तो द टेलर हैज टू मेक ए मेजरमेंट ऑफ करेक्टली फॉर द प्रॉपर स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ। इफ एनी ऑफ द मेजरमेंट आर मेड रॉन्ग बाय द टेलर, देन द स्टिचेस क्लॉथ मे बी नॉट फिट फॉर अस ठीक है। मतलब कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब हम कपड़ा खरीदने भी जाएंगे तब भी वो अगर सही मेजरमेंट में हमें नहीं दिया कपड़ा तो छोटी या बड़ी हो जाएगी हमारे जो क्लॉथ बनाएंगे, या टेलर भी अगर सही ढंग से उसे मेजर नहीं कर पाएगा तो हमारी जो है बॉडी में वो कपड़ा फिट ही नहीं आएगी। तो इसी से मेजरमेंट की कितना इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा, मेजरमेंट अगर नहीं होगी तो हम किस तरह से काम हमारा तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, डिस्टेंस को कवर कितना किया जा रहा उसको भी हम मेजरमेंट करते हैं। और डे टू डे लाइफ में ये एक एग्जांपल से बताया गया कि मेजरमेंट की क्या अहमियत है और मेजरमेंट क्या है ठीक है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ मेकिंग प्रॉपर मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे जो आम जिंदगी में मेजरमेंट का क्या रोल है, किस तरह से हम परेशानियों का सामना कर सकते हैं अगर मेजरमेंट सिस्टम ना होता, तो इसके बारे में बताया गया, एक सिंपल एग्जांपल बताया गया। अब हम साइंस की नजरिए से थोड़ा देखेंगे मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट, देखने से पहले नीड्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट की एक स्टैंडर्ड यूनिट का क्यों जरूरत पड़ा, स्टैंडर्ड यूनिट का क्यों जरूरत पड़ा। मेजरमेंट तो ऐसे हो ही रहा था पहले, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट का क्यों जरूरत पड़ा, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए पहले जमाने में हम क्या करते थे, मेजरमेंट को हम करते थे सब अपने हैंड स्पान से मेजर करते थे। देखिए ये वाला जो है ये थंब की जो टॉप पोजीशन और यहां पर आपकी लिटिल फिंगर की जो टॉप पोजीशन है, यहां की जो दूरी है स्ट्रेच पोजीशन में, ये स्ट्रेच पोजीशन होनी चाहिए, ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे फैला के। तो ये जो होती है हमारी हैंड स्पान, ये एक डिस्टेंस है, ये मेजरमेंट एक टेक्निक है। अच्छा फोर आर्म लेंथ या क्यूबिट, देखिए यहां से लेकर के आपकी यहां इस तरह से भी नापते हैं, आजकल भी बहुत सारे साड़ियों को नापा जाता है इस तरह के डिस्टेंस से, या फुट स्टेप जिसे हम पेस कहते हैं ठीक है। फोर आर्म लेंथ को हम क्यूबिट कहते हैं, फुट स्पेस को हम पेस कहते हैं। देखिए पांव से नापा जा रहा कदमों से ठीक है, कितनी कदम दूरी है ये जो नापते हैं। तो इस तरह के डिस्टेंस का या क्या इस्तेमाल किया जाता था पहले, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी, तो यहां पर बताया गया हैंड स्पान, फोर आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप्स कैन नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट बिकॉज देयर लेंथ इज नॉट सेम फॉर ऑल द पर्सन। इसको हम क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ है ये छोटे बच्चों के लिए अलग हो सकता है, बड़े लोगों के लिए अलग हो सकता है, और जिनकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो बॉडी साइज भी बड़ी हो जाएगी, तो ये सब छोटा बड़ा हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसीलिए हम ये वाला को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्या हमारे वर्ल्ड, सभी जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ठीक है। तो जो हैंड स्पान है, फोर आर्म की लेंथ है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इन्हीं बात को यहां पर बताया गया है। तो ठीक है, इसके आगे भी हम देख लेते हैं कि इसके बारे में और क्या बताई गई, इसी चीज को यहां पर भी बताया गया है कि क्योंकि क्यों हम स्टैंडर्ड यूनिट में इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हिच हैज ए फिक्स वैल्यू व्हिच डज नॉट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस और प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो एक ऐसी मेजरमेंट जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो,
प्लेस टू प्लेस वेरी ना करता हो, ऐसी यूनिट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि आप यहां उस यूनिट को जितना जैसा यूज करेंगे, आप दूसरे कंट्री में वर्ल्ड वाइड सभी जगह उसी तरह के यूज होगा। जैसे कि आजकल एक मीटर हमारे इंडिया के लिए एक मीटर जितनी लेंथ होती है, अमेरिका के लिए भी एक मीटर उतनी लेंथ होती है, जापान के लिए भी वही होती है, ठीक है। तो ये हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मीटर, इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की होती है एक मीटर, ठीक है। तो मीटर इज यूज बाय वन पर्सन और अनदर पर्सन, वेदर द मीटर इज यूज इन वन कंट्री और अनदर कंट्री, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम लेंथ। तो चाहे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यूज हो या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यूज हो, एक मीटर की जो दूरी है, एक मीटर की जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो वर्ल्ड वाइड सेम ही है। आप अगर दुकान में जाओ तो वन मीटर की क्लॉथ लेंगे जितनी बड़ी मिलेगी, आपकी पड़ोसी अगर जाते हैं तब भी एक मीटर की कपड़ा उतने ही मिलेगा उसे, ठीक है। तो ये हर वक्त सेम ही हो जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं यहां पर, इट इज, ये जरूरत क्यों होता है, इट इज नेसेसरी टू हैव ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक समानता सभी में होनी चाहिए, सभी के लिए एक होनी चाहिए, इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। उसके बाद आते हैं, एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। तो जितने भी हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट में एक होती है हमारी क्या नंबर और एक होती है यूनिट। तो दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट में, कंसिस्ट ऑफ ए नंबर एंड यूनिट। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि आपका स्कूल से आपकी घर की दूरी कितनी है, तो आप बोले 2 किलोमीटर। तो यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिए, 2 क्या है, एक नंबर है, और किलोमीटर क्या है, एक यूनिट है। मतलब किसी भी मेजरमेंट को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों का जरूरत पड़ता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। हर वक्त एक नंबर होती है और एक यूनिट होती है किसी चीज को मेजर करने के लिए, 2 kg हो, 5 लीटर हो, 10 मिलीलीटर हो, कुछ भी हो, तो एक नंबर होगा, उसके साथ में एक यूनिट होगा, इसी चीज को यहां पर बताया गया है। एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। तो मैं आपको बता दिया यहां पर, जैसे यहां पर बताया गया है कि एक टेबल की लेंथ के बारे में बताया गया, टेबल की लेंथ किसी ने बताया कि 2 मीटर है, तो 2 मीटर में यहां पर 2 क्या है, एक नंबर है, और मीटर क्या है, एक यूनिट है, इसी चीज को यहां पर बताया गया है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर देखिए, प्लीज नोट दैट मेजरमेंट इज नॉट कंप्लीट अनलेस बोथ द नंबर एंड द यूनिट आर मेंशन। तो इसी चीज को यहां पर बताया गया है कि किसी भी मेजरमेंट को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीजों का जरूरत पड़ता है, एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। तो मेजरमेंट इज नॉट कंप्लीट अनलेस बोथ द नंबर एंड यूनिट आर मेंशन। तो मेजरमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा जबकि दोनों नंबर के साथ यूनिट अगर ना हो, या यूनिट के साथ नंबर ना हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बोलूंगा कि दिल्ली से मद्रास कितने दूरी है, तो मैं बोलूंगा 500, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। 500 क्या मीटर है या सेंटीमीटर है या क्या है, तो यूनिट की तो मैंने बात ही नहीं किया, नंबर मैंने बताया। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोई मेजरमेंट को, दोनों की जरूरत है। सो वी मस्ट राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हाइल एक्सप्रेसिंग द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट की लेंथ बोले या जगह की दूरी बोले, कुछ भी बोले, कितने क्वांटिटी में अगर किसी चीज को भी बताना है, तो हमें नंबर्स का और यूनिट का दोनों का साथ साथ यूज करना पड़ेगा। आगे आते हैं हम, लेंथ की जब बात चल रही है, क्योंकि डिस्टेंस की यहां पर बात चल रही थी, डिस्टेंस ये पढ़ रहे थे, और डिस्टेंस मतलब कि लेंथ कितनी कवर हुआ, वही तो डिस्टेंस है। तो हम इस डिस्टेंस लेंथ के बारे में ही हम अभी डिटेल में देख रहे हैं, बाकी यूनिट के बारे में हम अभी नहीं सोच रहे। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहां पर देखिए, इन ऑर्डर टू हैव ए यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक द लेंथ, मास एंड टाइम, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द यूनिट ऑफ दिस सिस्टम आर कॉल्ड द एसआई यूनिट। तो हमारे जो है ये जितने भी साइंटिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्होंने एक यूनिट निकाला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। यही चीज वर्ल्ड में इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके बिना हम अगर इंटरनेशनल यूनिट का यूज ना करें तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि हैंड स्पान का यूज करेंगे हम,
ठीक है, तो ये इसकी क्यूबिट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सेम नहीं होता, डिफर करता है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है पूरा वर्ल्ड वाइड इसकी सेम रहती, यूनिफॉर्मिटी रहती है। अच्छा, यहां पर जैसे कि हम द सिंबल ऑफ मीटर इज एम, मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ये हमारी सिंबल है। वन सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट दैट मीटर इज कैप्ट एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन दिल्ली, हमारे दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में एक सैंपल वन मीटर की रखी गई है और बाकी जितने भी मीटर है वो उसकी कॉपी की गई है। ठीक है, मतलब कोई उसी लेंथ की बनाई गई है जो कि लोगों के पास है। तो इस तरह से हम SI यूनिट ऑफ मेजरिंग द मास, अगर मास को हम मेजर करें तो SI यूनिट उसकी हो जाती है किलोग्राम, लेंथ की अगर बात करें तो हो जाती है मीटर, ठीक है, टेम्परेचर की अगर बात करें या टाइम की बात करें तो हो जाती है सेकंड, मतलब कि हमारी लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, ठीक है, और वेट की जो मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम, और हमारी टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट की बातें की गई है। अब हम देखते हैं प्रेफिक्स यूज विद द SI यूनिट। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स मतलब यूनिट के पीछे जो लगता है, जैसे ये मीटर है, मीटर के पीछे अगर हम कुछ लिख दें तो ये उसे प्रेफिक्स कहलाता है, ठीक है। सफिक्स मतलब वो चीजें के बाद लगती है राइट साइड में, प्रीफिक्स मतलब चीजों के पहले लगती है, ठीक है, तो वो होती है प्रेफिक्स। तो उसका क्या मतलब है हम अगर देखते हैं तो ये डिटेल्स में बताया गया, प्रेफिक्स इज अ काइंड ऑफ वर्ड यूज बिफोर द नेम, नेम से पहले। तो मैं अगर बताऊं यहां पर एक है हमारी मीटर, मीटर से पहले मैंने लगा दिया अगर किलोमीटर, या उससे पहले लगा दिया सेंटी लगा दिया, मीटर से पहले मैं सेंटी लगा दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगी, मीटर से पहले अगर मिली लगा दिया तो मिलीमीटर हो जाएगी। तो ये सब चीजों का क्या मतलब है, जैसे कि किलो इज ए प्रीफिक्स व्हिच डिनोट्स 1000, मतलब कि एक मीटर है, जैसे किलो मीन्स 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000। अगर हम बोले कि जैसे वन मीटर तो मीटर के पहले अगर हम 1 किलो लगा दे तो बन जाएगी, मीटर से पहले किलो लगा दे तो किलोमीटर बन जाएगी, किलोमीटर मतलब कि 1000 टाइम्स, तो जो एक मीटर थी अब हो जाती है 1000 मीटर, 1000 टाइम 1 मीटर का 1000 टाइम क्या हो जाएगी 1000 मीटर हो जाएगी, मतलब किलो अगर लगा दे मीटर के पहले तो वो उसकी 1000 वैल्यू बढ़ा देती है, मतलब कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से सेंटी अगर इस्तेमाल कर देते हैं मीटर से पहले तो सेंटी मीन्स 100, मतलब वो जो भी हमारी यूनिट थी उसको 1000 पार्ट में डिवाइड कर देती है, यहां पर 1000 टाइम्स बढ़ा देती थी, यहां पर 1000 पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब कि यहां पर अगर हम बात करें, देखिए अच्छे से समझिए, तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर मतलब की हो जाती है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को वो 1000 पार्ट कर दिया सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि 1 मीटर को 100 पार्ट करने के बाद 1 सेंटीमीटर होगी, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस तरह की बातें यहां पर बताई गई है। अच्छा, मिली की अगर बात करें, अगर हम मीटर से पहले मिली डाल देते हैं तो वो 1000 पार्ट डिवाइड कर देगी, मतलब कि 1 मीटर को 1000 पार्ट करने से 1 मिलीमीटर होता है, मतलब 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो हमने देखा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर। तो ये सभी चीजें जो है, ये किलोमीटर को हम अगर लिखे शॉर्ट में तो KM लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को हम CM लिख सकते हैं, मिलीमीटर को हम MM लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है प्रीफिक्स की, किलोमीटर की KM, सेंटीमीटर की CM, मिलीमीटर की MM। अच्छा, यहां पर देखिए कुछ चीजों को बताया गया एग्जांपल के तौर पे, कि हाइट ऑफ ए पर्सन 1.65 मीटर है, आप उसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, अगर इतनी मीटर है तो इतनी इंटू 100 कर देंगे, जितनी मीटर है उसको सेंटीमीटर में करना है तो 100 इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर भी देखिए, इसको मीटर है, मीटरों को आपको मिलीमीटर में करना, तो यहां पर क्या करेंगे, जितनी मीटर है उसको 1000 में हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाती है मिलीमीटर। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स भी बताई गई है, एग्जांपल देके समझाया गया है। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था
हम एक्चुअली देख रहे थे डिस्टेंस टॉपिक को, तो डिस्टेंस पढ़ने से पहले हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा। आज हमने देखा कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट और उसके रिलेटेड जो डिस्टेंस है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ आपकी लेंथ की, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ आपकी क्या जो टाइम की, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास की वगैरह वगैरह। प्रेफिक्स हमने देखा कि क्या है, कन्वर्सन हमने देखा मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर कैसे हो रही, ये सब चीजें हमने देखा। और ये आज की सेकंड क्लास थी बच्चों, और वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आगे जो हम देखेंगे दूसरी टॉपिक जो होती है आगे की टॉपिक मेजरमेंट लेंथ वगैरह ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा, पसंद आ रहा, कुछ फायदा हो रहा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।